दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले पर आपके समर्थन में राहुल गांधी का बयान अभी तक नहीं आया है। इसको लेकर जब सीएम अरविंद केजरीवाल से मीडिया कर्मियों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि क्या फर्क पड़ता है, केंद्र सरकार द्वारा डराने की कोशिश हो रही है, विपक्षी नेता को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों, दिल्ली के सीएम का दावा है कि यह शराब घोटाला भी फर्जी है। इसके बहाने वो पूरा टाइम सभी को केवल उलझाकर रखना चाहते हैं, ना काम करेंगे ना काम करने देंगे। सारे आरोप झूठे हैं, तंग करके लोगों से बयान लिए गए हैं, सारे बयान झूठे हैं। थोड़े दिन बाद कहेंगे कि शराब घोटाले में कुछ नहीं मिला, फिर कोई नया मुद्दा लेके आएंगे। ऐसे देश तरक्की नहीं कर सकता। मेरा तो मानना है कि जिस तरह हमारी सरकारी स्कूल और कॉलेज बना है, उसी तरह वो भी बनाए। दोस्तों, क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, आप भी देखिए इस वायरल वीडियो में। साथ में ये भी बताया कि सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके वो भी बताएं। मतलब राहुल गांधी की जब सदस्यता आ गई, आपने खुलकर सपोर्ट किया, लेकिन जो संजय सिंह के मामले में कांग्रेस जो है शर्तों के साथ ना करे, क्या फर्क पड़ता। देखिए, पूरा का पूरा इन्होंने हमारी इतनी जांच करा ली, कुछ निकला? बस घोटाला बोले, बस घोटाला हो गया, कुछ नहीं निकला उसमें। सारी जांच करा ली, बोले स्कूल के क्लासरूम बनाने में घोटाला कर दिया, सारी जांच करा ली, उसमें कुछ निकला। फिर बोले बिजली का घोटाला हो गया इतने 1000 करोड़ रुपए का, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर बोले सड़कों के बनाने में घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं निकला। पानी का घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं। अब ये धीरे धीरे पता चल रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आप सब लोगों ने सुना कि ये पूरा शराब घोटाला भी फर्जी है। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि एक पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। जज कल बार बार पूछते रहे, भी कोई तो दिखाओ, एक पैसा तो दिखाओ, कहीं सबूत तो दिए, एक सबूत नहीं है इनके पास, एक सबूत नहीं है। तो पूरा का पूरा शराब घोटाला फर्जी है। थोड़े दिन के अंदर ये शराब घोटाला बंद हो जाएगा, एक और ले आएंगे। मतलब इनको पूरा टाइम इनको केवल और केवल लोगों को एजेंसीज में और इन सारी जांचों में उलझा के रखना है। काम ना खुद कुछ काम करेंगे ना लोगों को कुछ काम करेंगे।